मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के मित्तल में स्कूल के बच्चों का एक खास कार्यक्रम आयोजन किया गया था। कार्यक्रम जीनियस इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल की तरफ से किया गया था। स्कूल के डायरेक्टर इमरान सर ने बताया कि हर साल जीनियस एनुअल फंक्शन किया जाता है, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी इस फंक्शन में बुलाया जाता है। इस कार्यक्रम में बच्चों ने नाटक के जरिए कई ऐसे संदेश दिए हैं जो बच्चों के साथ साथ बच्चों के माता पिता को भी समझना चाहिए। नाटक के जरिए बच्चों ने बताया कि सिर्फ स्कूल भेज देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, बच्चे जब घर पे हो तो माँ बाप को उनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए कि उनका बच्चा आखिर क्या कर रहा है। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपके बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर रोक टोक करें और बच्चों को बेहतर परवरिश दें। परवरिश और रहन सहन का बच्चों पर काफ़ी असर होता है। अगर कभी कोई गलती भी हो जाए तो सॉरी बोलने में ज़रा भी हिचक नहीं होनी चाहिए और हर माँ बाप को, खास करके बाप अगर शाम को घर जब आते हैं तो अक्सर बच्चे दौड़कर बाप के पास पहुँचते हैं, मगर बच्चों से बात करने के बजाय बाप जो है वो मोबाइल या किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये गलत है। बच्चों को हर रोज़ टाइम दें और उन्हें क्या बात करना है, क्या परेशानी है वो आपसे शेयर कर सकें। इसी तरह से जीनियस इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने काबिले तारीफ परफॉर्मेंस दिया, जिसमें कोई ना कोई संदेश छुपा रहा। स्कूल के डायरेक्टर इमरान सर और स्कूल की प्रिंसिपल शिवा सैयद ने जीनियस एनुअल शो को लेकर क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। इमरान सर, जीनियस स्कूल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या मकसद था इस कार्यक्रम के जरिए और क्या मैसेज दिया था? आज जीनियस स्कूल का एनुअल फंक्शन था, ये ईयर में ईयर एंडिंग का एनुअल फंक्शन होता है। ये हमारा आज कॉन्सेप्ट और हमारा ये मोटिव था कि माँ बाप की तरबियत और माँ बाप किस तरीके से बच्चों के ऊपर ध्यान दें। माँ बाप आज के दौर में ये समझते हैं क्या हमने स्कूल में दाखिला कर दिया या हमने मदरसा में दाखिला कर दिया तो ये हमारा काम ख़त्म हो गया। जितनी ज़िम्मेदारी स्कूल की होती है, जितनी ज़िम्मेदारी मदरसे की होती है, उतनी ज़िम्मेदारी माँ बाप की भी होती है। तो आज हमारा एनुअल फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था यही था। अच्छा, देखा गया कि जो बच्चे थे उन्होंने कई अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर प्रदर्शन के जरिए या कहें कि एक मैसेज देने की कोशिश की कि बच्चों की परवरिश जो है वो घर में किस तरह से की जाए, क्योंकि स्कूल के साथ साथ घर में जो परवरिश होती है वो काफ़ी अहम मायने रखती है। बिल्कुल, हमने इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा एनुअल फंक्शन को परफॉर्मेंस किया था। जैसे मोबाइल एडिक्शन हमारा एक प्रोग्राम था, उसके बाद में से सॉरी, आज के दौर में कोई किसी को सॉरी नहीं बोलता है, उसके ऊपर था। और ऐसे तीन चार हमारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम थे, नेम्स ऑफ अल्लाह, स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। तो हमने सारे बुनियादी चीज़ को देख के और दुनिया की हालात को देखते हुए हमने ये आज कॉन्सेप्ट बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम यही मैसेज देना चाहते हैं क्या आज के दौर में बच्चे जो मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं और एजुकेशन से दूर जा रहे हैं, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है और हमारा ये मकसद है और जीनियस का हमारा हमेशा से ये मकसद रहा कि हम अच्छे से अच्छी इस शहर में तालीम दें और लोगों को इस शहर में एजुकेटेड दे, एजुकेशन दे, एजुकेटेड बनाए, ताकि आने वाले दौर में इंशाल्लाह मुमरा में कुछ चेंजेस हमको देखने मिले। बच्चों में जो नशा आम हो रहा है, इसी ज़रिए से हम स्पोर्ट्स के तरफ तवज्जो करते हैं, इसी तरह से हम बाकी सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो करते हैं ताकि मुमरा में सारी चीज़ ख़त्म हो और एजुकेशन का एक अच्छा माहौल। जी, मैं शिवा सैयद, जीनियस स्कूल की प्रिंसिपल। ये प्रोग्राम कॉन्सेप्ट बेस्ड मोस्टली पेरेंट्स के लिए था जो अपनी ज़िम्मेदारी से आजकल थोड़ा पीछे हट रहे हैं। ये उनका मानना है कि हमने अच्छे स्कूल में डाल दिया है, हमने मदरसे में डाल दिया है तो हमारी पूरा कंप्लीट हो गया, बट वो नहीं होता है। बच्चों को पर्सनल अटेंशन भी दिया जाना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से। एवरीथिंग इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन स्कूल एंड मदरसा। तो बेसिक ये था आपकी पेरेंट्स को थोड़ा ये दे कि आप अपना एडिक्शन, जो आजकल मोबाइल एडिक्शन बच्चों का नहीं पेरेंट्स का भी होता है, वो कम करके अपने औलाद की तरबियत की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ये भी मैसेज में बताया गया कि कुछ
फादर पिता हैं वो बाहर से आते हैं तो खासतौर पर बच्चों को ध्यान नहीं देते, समय नहीं दे पाते, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। तो आप इसके बारे में खास तौर पर माता पिता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों को आजकल ज़्यादा पेरेंट्स का अटेंशन की ज़रूरत है, पेरेंट्स का अटेंशन नहीं मिलता है इसलिए बच्चे मोबाइल वगैरह ये चीज़ में तवज्जो ज़्यादा हो जाता है। तो जितना पेरेंट्स बच्चों के साथ घुल मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनका दिन कैसा गया, उनका हालचाल रखेंगे, तो ये चीज़ों से बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आज पेरेंट्स का ये होता है कि बच्चे आए स्कूल में, आए ट्यूशन चले गए, आए कब सोए, पेरेंट्स को खबर ही नहीं है। खास करके फादर्स वो काम में इतने बिजी रहते हैं, पेरेंट्स इतनी दरखास्त है कि एटलीस्ट फादर पेरेंट्स जो है 10 मिनट बच्चों को डेली बैठा के पूछ सकते हैं कि बच्चों का दिन कैसा गया, तो उससे बच्चों का मोरल और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अच्छा, खास तौर पर देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं, खास तौर पर पढ़ाई के लिए, और बच्चे अच्छे भी पढ़ते हैं लेकिन खास तौर पर प्रेशर बनने की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस जैसे बोलते हैं पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, हर बच्चों का फील्ड ऑफ एडुकेशन उनका डिफरेंट रहता है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट है, किसी का आर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है, तो उस हिसाब से बच्चों को कंपेयर ना करें एक दूसरे से। हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक है, किसी में बोलने का अच्छी क्वालिटी है तो किसी में लिखने की अच्छी क्वालिटी है, तो उस हिसाब से अपने बच्चों का टैलेंट पहचानिए और उनको उसकी तरफ डाइवर्ट करिए, ना कि बच्चों को खाली पढ़ाई के लिए प्रेशर करिए। हमारा मेन बॉटम लाइन ऑफ द प्रोग्राम था कि जैसे हमारे पास पेरेंट्स आए हैं, उन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा है, उनको भी ये सीखने मिले जो हमारे बच्चों ने उसमें दिया है कि उनको अपने बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए और बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना बनाए।